जे इतने हिंदू राष्ट्र की गल हुंदी है किसे बंदे ते अज तक जवाबा लगा एक बंदा हाथ खड़ा करके कह दे भी असि हिंदू राष्ट्र की गल की सी ते साडे ते हुकूमत ने जवाबा लाता साडे ते टाडा लग गया साडे ते होर एक्ट लग गए जिन्हां ते जमानत नहीं हुंदी 4 साल ते फिर खालिस्तान की गल करन तों जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ये कहिंदा सुप्रीम कोर्ट आंदा भी जे शांतमई तरीके नाल कोई अपने राज भाग की गल करता कोई खालिस्तान की गल करता गलाह वाली गल नहीं तो फिर यह सरकार नूं की तंगी है इन्हां लोकां नूं की तंगी है कि साडे नौजवानों नूं फड़ फड़ के अंदर चले। राजीव गांधी का कतल होया कतल करने वाला हिंदू सी वह बाहर आ गया 2002 के दंगियां दे विच बलात्कार करने वाले जिहड़े सन वह बाहर आ गए जिहड़े सिख बंदी सन वो सजा पूरी करन तो पहला बार आ गए साडे बंदियां ने सजा पूरी कर ली 10-10, 20-20 साल उत्ते हो गए ते अजे तक जेलां च लगे बैठे ने ते फिर कहिंदे ने भी कानून सारे की बराबर है दसो बराबर है सारे वास्ते तुसी आप मैनू दसो भी साडे वास्ते ते दूजियां वास्ते कानून बराबर है ते जे बराबर नहीं ते फिर आपां किहड़े मूंह नाल कही जांदे असीं आजाद हां आजादी उत्थे हुंदी है जिथे बराबरता होवे महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे विच कोई एक दसे भी किसे गैर धर्मी दे नाल जिहड़ा सिखां दा नहीं सी दूजे धर्म तो सी उन्हें मसीतां नूं बराबर जगीरां दित्तियां उन्हें मंदरां ते छतां पवाईआं इत्थों तक मुगलां ने 100-100 साल 500-500 साल मंदरां तों छतां लवा छड्डियां नीहां पुट दित्तियां संधि करके गया हरिद्वार उधर सारे जाके मंदरां ते छतां पवा के मंदरां दे सामने गऊ हत्या दे गऊशाले खुले सी जिहड़े गऊ हत्या करदे सी उत्थे बुचड़खाने उह चकवा के आया ते सानू की सलाह दित्ता जी इहनां जदों इहनां ते गुलामी आई ते असीं आपणे सिर दित्ते जदों इहनां ते मुसीबत पै गई औरंगजेब जनेऊ ला के मन जनेऊ ला के फिर प्रशादा छकदा सी उधर गुरु तेग बहादुर पातशाह तों चल के आए आके फरियाद कीती सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करो तुसीं सानू रखो साडी किसे देवी देवते ने नहीं सुनी सतगुरु सच्चे पातशाह ने हथ दे के रखिया ते फिर उहदा नतीजा की निकलिया। सो मैं अज इह गल कहिंदा नौजवान जिहड़े हिंदू ने उन्होंने तो मेरे नाल वादा किया कि भाई इस बार राज भाग की जिहड़ी गल चलती है असीं तुहाडे नाल अगे होके लड़ांगे खालसे दा राज कायम करांगे ते खालसे दा राज कन्ने सिखां वास्ते नहीं हैगा खालसे दा राज बेगमपुरे दे सिधांत ते कायम होना ते बेगमपुरा आप जिथे किसे नूं कोई गम नहीं कोई तंगी नहीं कोई तकलीफ नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वेले मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते एक इंसाफ संघर्ष मोर्चा चल रहा है जिथे कि बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई एक संघर्ष बीटिया गया। उत्थे ही भाई अमृतपाल सिंह दी एक वीडियो सामने आई है जिस दे विच ओह बंदी सिंघां बारे अते होर कुछ अहम मसलियां ते गलबात करदे होए दिखाई दित्ते ने जो कि वीडियो इस समय सोशल मीडिया ते काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस वीडियो दे विच ओह सिंह भी दिखाई दे रहा है जिसनों कुछ दिन पहला पुलिस ने एक अजिही शक के आधार पर चुकिया सी कि उस दे कोल नजायज असला हो सकता है। अते दस दी है कि यह वीडियो दे विच भाई अमृतपाल सिंह ने जिन्हां मसलियां बारे गलबात की है उन्हां बारे तुसीं की सोचते हो जरूर अपनी राय कमेंटा दे विच शेयर करके जाना ते होर ताज़ा अपडेट्स दे लई बने रहना लिमिटेड ज्ञान दे नाल। सो हुण देखो यह फुल वीडियो। जे इत्थे हिंदू राष्ट्र की गल हुंदी है किसे बंदे ते अज तक जवाबा लगा एक बंदा हाथ खड़ा करके कह दे भी असीं हिंदू राष्ट्र की गल की सी ते साडे ते हुकूमत ने जवाबा लाता साडे ते टाडा लग गया साडे ते होर एक्ट लग गए जिन्हां ते जमानत नहीं हुंदी 4 साल ते फिर खालिस्तान की गल करन तों जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ये कहिंदा सुप्रीम कोर्ट आंदा भी जे शांतमय तरीके नाल कोई अपने राज भाग की गल करता कोई खालिस्तान की गल करता गलाह वाली गल नहीं ते फिर यह सरकार नूं की तंगी है इन्हां लोकां नूं की तंगी है कि साडे नौजवानों नूं फड़ फड़ के अंदर चले। राजीव गांधी का कतल होया कतल करने वाला हिंदू सी वो बाहर आ गया 2002 के दंगियां दे विच बलात्कार करने वाले जिहड़े सन वह बाहर आ गए जिहड़े सिख बंदी सन वह सजा पूरी करन तों पहला बाहर आ गए साडे बंदियां ने सजा पूरी कर ली 10-10, 20-20 साल उत्ते हो गए ते अजे तक जेलां च लगे बैठे ने ते फिर कहिंदे ने भी कानून सारे की बराबर है दसो बराबर है सारे वास्ते तुसी आप मैनू दसो भी साडे वास्ते ते दूजियां वास्ते कानून बराबर है ते जे बराबर नहीं ते फिर आपां किहड़े मूंह नाल कही जांदे असीं आजाद हां
आजादी उत्थे हुंदी है जिथे बराबरता होवे। महाराजे रणजीत सिंह दे राज दे विच कोई एक दसे भी किसी गैर धर्मी दे नाल जिहड़ा सिखां दा नहीं सी दूजे धर्म तो सी उन्हें मसीतां नूं बराबर चकीरां दित्तियां, उन्हें मंदरां ते छतां पवाईआं। इथों तक मुगलां ने 100-100 सैकड़े साल 500-500 साल मंदरां तों छतां लवा छड्डियां, नीहां पुट दित्तियां, संधि करके गया हरिद्वार। उधर सारे जाके मंदरां ते छतां पवा के आया, मंदरां दे सामने गऊ हत्या दे गऊशाले खुले सी, जिहड़े गऊ हत्या करदे सी उत्थे बुचरखाने, उह चकवा के आया। ते सानू की सलाह दित्ता जी इहनां, जदों इहनां ते गुलामी आई ते असीं अपने सिर दित्ते, जदों इहनां ते मुसीबत पै गई औरंगजेब जनेऊ ला के मन जनेऊ ला के फिर प्रशादा छकदा सी, उधर गुरु तेग बहादुर पातशाह तो चल के आए, आके फरियाद कीती सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करो तुसीं सानू रखो, साडी किसी देवी देवते ने नहीं सुनी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हथ दे के रखिया ते फिर उहदा नतीजा की निकलिया। सो मैं अज ये गल कहना, नौजवान जिहड़े हिंदू ने उन्होंने ते मेरे नाल वादा किया कि भाई इस बार राजभाग की जिहड़ी गल चलती है असीं तुहाडे नाल अगे होके लड़ांगे, खालसे दा राज कायम करांगे। ते खालसे दा राज कल्ले सिखां वास्ते नहीं हैगा, खालसे दा राज बेगमपुरे दे सिधांत ते कायम होणा है। ते बेगमपुरा भाव जिथे किसी नूं कोई गम नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई तकलीफ नहीं।